मेरी औकात तो नहीं, लेकिन दो पुश्तों से आपके दरवाजे के पहरेदार हैं। इजाजत हो तो पूछना चाहता हूं कि तालीम अधूरी छोड़ के अचानक वापस क्यों आ गई है? बेटा भूल सकता है, मगर ये बेटी अपने बाप का कातिल नहीं भूल सकती। लेकिन उनको तो दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन ये सिर्फ मैं जानती हूं कि ये दौरा क्यों पड़ा था और इसका जिम्मेदार कौन था। कौन था? गाड़ी रेस कोर्स की तरफ मोड़िए। के लिए आज तो जी चाह, मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी तुम पर लगी है। माय डियर फ्रेंड, आज भी नंबर वन जीतेगा, नोटेड। और कब नंबर वन? जो कुछ भी तुम्हारी बच्ची के नाम था मैं जीत चुका। कल बेटे के नाम की प्रॉपर्टी के कागजात भी ले आना। ओके, बाय बाय। मेरी बच्ची, मुझे दुश्मन ने नहीं, मेरे दोस्त शौकत ने मुझे मार डाला। मेरी दौलत हथियाने की खातिर मुझे रेस का रसिया बनाया, फिर धोखे से घोड़े खिंचवा खिंचवा कर तेरी सारी दौलत जीत ली। बेटी, अभी तेरे भाई बाबर की बहुत जायदाद बाकी है, लेकिन उसे दो नंबर की औरतों और दो नंबर के मर्दों से बचाए रखना। रह गया मेरा दुश्मन। डैडी, डैडी। रह गया मेरा दुश्मन। उससे बदला मैं लूंगी। Who are you? कौन हो तुम? समझो तो बेटी, ना समझो तो बदला। मैं नवाब फखरुद्दीन अहमद की बेटी हूँ, जिसकी सारी दौलत तुमने रेस के घोड़ों की लगाम में खींच खींच कर जीत ली। 12 साल पहले जब मैं लंदन गई तो कोचवान थे तुम, वापस आई तो करोड़पति पाया तुम्हें। महल और मिले मेरी, मुझे इनकी रजिस्ट्री चाहिए और इन्हीं कदमों पर चाहिए। जितनी खुद खूबसूरत हो उससे ज्यादा खूबसूरत ख्वाब देखती हो तुम, लेकिन इतना याद रखना कि उनकी रजिस्ट्री मैंने रेस के मैदान में ली थी। नोटेड। मेरे खुदा ने चाहा तो उसी मैदान में सब कुछ वापस लूंगी मैं। बाबर आपका दोस्त, मगर उसकी बहन आपकी बदतरीन दुश्मन है। भाई साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। इस बेवकूफ को क्या मालूम, ये जायदाद जिस वारिस की जंग लड़ने आई है उसकी आंखों में इंतकाम की बजाय हर वक्त अयाशी और औरत के लिए आंसू रहते हैं।
बताओ ना क्या हुआ। एक ही दुख है मेरा, कोई लड़की प्यार नहीं करती। ओह नो, तुम्हारी तरह सभी हैरान होते हैं क्योंकि स्मार्ट हूं, यंग हूं, खूबसूरत हूं, और फिर आज की हर लड़की की कमजोरी कोठी, कैश, पार्टल, गाड़ी, सभी कुछ तो है मेरे पास, लेकिन इसके बावजूद तरस रहा हूं कि कोई मुझे कहे बाबर आई लव यू। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे बाबर? बेवकूफ बनाकर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपने बेडरूम तक ले जाऊंगा। ये क्यों नहीं समझती कि ब्रीफकेस में कैश हो तो हर रोज बेडरूम में एक बिकाऊ बदन आ सकता है। ऐसे खाली और खूबसूरत गिलास मुंह से लगा लेने से प्यास नहीं बुझा करती रूबी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे सारी दुनिया से छीन ले, छुपा ले, मुझे इतनी जोर से भींचे कि मेरा सारा बदन किरची किरची हो जाए। तुम बाकी बहुत तिशना हो बाबर। मेरा भैया झूठ कहता है कि महलों में सिर्फ शिकारी रहते हैं। आई लव यू बाबर, आई लव यू। के जाने के बाद हमेशा मैं ही आया करता हूं। क्या कहा है? भंवरा फूल का रस चूसने के बाद हमेशा ताजा फूल की तलाश में उड़ जाता है।
महल में किस चीज की कमी है जिसको पाने के लिए पढ़ाई छोड़कर लंदन से रेस खेलने आई हो तुम? मुझे अपना बाप चाहिए बाबर, वो बाप जिसकी लाश रेस कोर्स की सीढ़ियों से चमत्कार उठाकर लाए थे, जिसने मेरे बाप की आधी जायदाद और जान ली है। मैं उसकी पूरी जायदाद और जान लेने आई हूँ बाबर। तुम्हें क्यों वहम है कि उन्हें अंकल शौकत ने मारा है? वो उसे ही नहीं तुम्हें भी मार देगा। बाप को रेस का रास्ता दिखा के मार दिया और बेटे को रंग रलियों में गर्क कर देगा। तुम्हारा कसूर नहीं, बेहया औरतों के बदन बादशाहों को बेराह रोक कर देते हैं, तुम तो कोई चीज नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, औरत बदचलन हो जाए तो सिर्फ एक नस्ल बदनाम होती है और मर्द बदकार हो जाए तो सात नस्लें बिगड़ जाती हैं। मैं अपना अच्छा और बुरा तुमसे बेहतर समझता हूँ। तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान होती तो हर रोज दूसरों की बहनें अपने बेडरूम में न लाते। जी मैडम। तेरा नंबर का भाव दो। पहली बात दौड़ने लगा है, आप रिस्क न ले। वैसे तेरा नंबर का भाव 13 है। 13 के भाव से 13 लाख लगाते हैं हम। हार जाओगी, क्योंकि रेस आपका गुस्सा या गुरूर नहीं, हमेशा घोड़ा जीता करता है। लेकिन हम अपने गुस्से और गुरूर के गुलाम नहीं। ओ, कहीं तो जीतने वाले घोड़े की टिप दूं। हम उधार की अकल इस्तेमाल नहीं करते। मशवरा लेना सवाब है मैडम। तो फिर हमारा मशवरा है तुम भी 13 नंबर खेलो। हमारी मजबूरी है, 1 नंबर के आदमी हैं, 1 नंबर की गाड़ी रखते हैं, 1 नंबर का घोड़ा खेलते हैं। 1,01,101 रुपए और 1 पैसा शर्त लगाते हैं। हमारा ईमान है आजकल जीते में 1 नंबर के लोग अक्सर 2 नंबर का काम करते हैं। लगता है आज रेस कांटेदार होगी। कहिए तो पसीना पोंछने के लिए खुशबूदार टिश्यू मंगवा दूं? इतनी रकम तो हम कई बार अपने सेक्रेटरी को देकर भूल जाते हैं मिस्टर। लेकिन ये 1 नंबर का आदमी, 1 नंबर का घोड़ा आपको हमेशा याद रहेगा। घोड़ा गिरा नहीं, गिराया गया है मैडम। लेकिन तुम तो कहते थे कि दुनिया की कोई लगाम इसकी स्पीड कम नहीं कर सकती। यही सोच रहा हूँ, इतनी खौफनाक लगाम बनाने वाला कौन है। ये लगाम तुमने बनाई है? ऐसी लगाम मैं ही बना सकता हूँ। ओह, हमें भी तुम्हारी ही तलाश थी, तुम्हारी ही लगाम थी जिसने घोड़ा गिराया और हमारा बाप गिर पड़ा। आज तुम्हारी ही लगाम ने मेरे बाप के कातिल को बचा लिया, जिसे हम
रेस कोर्स की सीढ़ियों पे मरते हुए देखना चाहते थे। अरे बहन सो, तुमने हमें ही रोका था। हाँ मैंने रोका। तुमने? हाँ मैंने। जी नरगस पीरू बेहोश हो गया, इसको अस्पताल ले चले। इसे अस्पताल तुम ले जाओ, मैं देखती हूँ जुल्म का ये तूफान किस महल से नमूदार हुआ है। भाई शायद पहली मर्तबा अस्पताल गया है और शाताश का भाई 12 दफा मौत के मुंह में जा चुका है। लेकिन तुम्हारे अस्पताल जाने से मेरे भाई का क्या ताल्लुक था? ताल्लुक था नहीं है। क्या यह कम ताल्लुक है कि तुम उस भाई की बहन हो और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो? क्या? जानता हूं तुम इसे झूठ समझोगी क्योंकि तुम मुझे पहली बार देख रही हो। देखा, मैंने भी तुम्हें एक ही बार था लेकिन पहले ही नजर में घायल हो गया। तब से इस घर में रोज एक ही बात पर झगड़ा होता है, वो है मेरी शादी। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो कि हमारी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम हमें पसंद नहीं करती और हम तुम्हारे बगैर जीना पसंद नहीं करते। इस कर्ब और कश्मकश ने हमें बार बार अस्पताल पहुंचाया। अगर अपने भाई को बार बार गिरता देखकर एक बार मेरी बहन ने तुम्हारे भाई को गिरा दिया तो बर्दाश्त करो या हमारा बाजू थाम लो। मेरी मोहब्बत को मजाक समझोगी तो मर जाऊंगा। मैंने इस जहान में ही नहीं अगले जहान में भी तुम्हें ही मांगा है, तुम्हें ही मांगा। मेरी मौत पर आंसू बहाओ ना बहाओ, कब्र पर फूल फेंकने जरूर आ जाना, जरूर आ जाना। वाह जानू वाह, इस साल का आस्करी वार्ड आपका हुआ। इतनी अल्लड़ और इतनी अखड़ लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है बाबा। इस चोटी को सर करने में बड़ा मजा आएगा। बेहद कैसी है? आपका भाई तो ठीक हो गया मगर वो कौन है?
जो डेथ बेड पर आपका नाम ले लेकर आखिरी सांस ले रहा है। क्या मेरा नाम लेकर? आपका दिमाग खराब हो गया है। ये आप उससे पूछें जिसने मरने के बाद 70 करोड़ की जायदाद और 1 करोड़ कैश आपके नाम कर देने की वसीयत की है। कौन है वो और कहाँ है? आइए मेरे साथ। आइए। रास्ते में रखा चिराग है, किसी वक्त भी गुल हो सकता है। शायद तुम्हारी आवाज सुनकर संभल जाए। जा सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आंखें खोलो बाबर, मैं आ गई हूं बाबर, आंखें खोलो बाबर। खुदा के लिए बाबर, मुझे इतना ही चाहते रहना। ये वो ख्वाब है जिसे देखने के बाद जागने कुछ ही नहीं चाहता। बाबर, चूरा
सवाल इस बेडरूम में आने वाली हर लड़की करती है, लेकिन लेकिन क्या? नदामत के एक एक आंसू के बदले ये चेक ले सकती हो तुम। मैं उसकी होने वाली बेबी हूँ। आज तक फूल की किसी पत्ती के साथ तुमने किसी भौरे का पांव चिपके हुए देखा है? रुक क्यों गई? बढ़ती आओ उस दुआ के साथ। खुदा जिन भाइयों को तुम जैसी बहने दे उन्हें आंखें और कान ना दे। देखो कितने जख्म खा के बच गया मैं। तुमने एक ही जख्म खाया जिसका इलाज ना जमीन पर ना आसमान पर। दुनिया वालों मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरे आंसू बताएंगे दौर वही ठीक था जब इन्हें पैदा होते ही दफन कर देने वाली रस्में थी। जवान बहनों के भाइयों मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। भैया 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 तेरी गैरत की कसम भैया, गैरत को शाह गैरत सिखा दूंगी, शाह उसे गैरत कर दूंगी। कोई तकलीफ? क्या हुआ? वही आंखें, वही बाल, वही हुस्न, वही कद जो मैंने ख्वाब में देखा था। नहीं मिलोगी तो मर जाऊंगा। तुम नहीं मरोगे। वाह पहलवान वाह, मैं तेरी सारिया हरकतां देखिया ने। तू मैनू गामे पहलवान नालों भी वड्डा बलवान लगा। इन्हां लोगों ने ते गामे नूं भी ढा लिया सी।
मेरी शिगिरदी जा जाए ते ऐसे ऐसे पहलवान नू टाएगा कांबे ने भी नहीं टाया होएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प आदमी है, इसे अपने पास ही रख लो। ओ सानू किसे ने की रखना है, असी ते आप एक एक टाइम चार चार रखिया ने, शरई हक नकाच। ठीक है, आओ तुम्हें मैं अपना महल दिखाऊं। ठीक है, इनू महल वहा, मैं ते तेरे नाल हां, मैं तेरी हर हरकत वेखांगा जेड़ी तू रोज करने। एक निजी सरना पाक शहर को मैं जिंदगी समझ कर पी गई, मैं कितनी मासूम और तू तू कितना मक्कार था। एक हवसप्रस्त हैवान को इंसान समझ कर अपना लिया, मैं कितनी भोली और तू कितना बेगैरत था। अब आसमान तुझ पर आग बरसाए ना बरसाए, मैं तेरी कब्र को भी जलाती रहूंगी। ले जाओ इस हरामजादी को और बच्चा कटवा दो, उसके नाम कोठी खाना चलाती है, बहुत बड़ी हराबाज शहर की। याद रखना बदकार इंसान, मेरा इंतकाम आखिरी सांस तक तेरा पीछा करेगा। हर लड़की खुदकुशी नहीं करती, वो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, वो स्विमिंग पूल वाली लड़की ने अपने रेप का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करके तुम्हारे वारंट निकलवा दिए हैं। हेलो हेलो, यू सन ऑफ अ बिच, इससे भी बड़ा जुल्म तुमने पीरू लोहार की बहन को बर्बाद करके किया है। भाई सब ठीक कहते हैं, इससे बेशतर के पीरू की बहन फट पड़े या पुलिस तुम्हें परेशान करे, ये इलाका छोड़ दो। कहां जाऊं, बड़े भाई वाला बंगला खाली है, वहां जाओ, वहां तुम्हें माद घराने की लड़कियां भी मिलेंगी, और हां सबसे बढ़कर तुम्हें वहां जानी 3x3 मिलेगा, जिसे शबाब शीशे में उतारने का ढंग खूब आता है। पीछे डेली लाखों की डील होती है तुम्हारी, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी हमें दे जाओ ताकि तुम्हारा कारोबार भी चलता रहे। ये भी ठीक है, गुड बॉय। जाओ बाबा, इससे पेपर साइन करवाने के बाद मंजिल की तरफ रवाना कर दो, और जानी को फोन करके कह दो कि इसे पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। नोटेड। ठीक है भाई साहब, चलो जानू। हा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 ह
हमारा अखलौता बेटा और भी अमीर हो गया है, और तुम आज से जायदाद से फारिग हो गए हो। एक दिन जान भी दे देंगे हम। नोट इट। बखुदा जायदाद भी वापस लूंगी शौकत, और मौत की जिस गाड़ी पर तुमने बाबर को चढ़ाया उसकी जंजीर भी खींच लूंगी मैं। अबे ओ केकड़े के बच्चे, तूने इस महल पे खूब कब्जा जमाया है। आज जोते साहब के दोस्त पहुंचने ही वाले हैं। खुदा के वास्ते अब उनके कपड़े पहनना छोड़ दे, वरना वो तुझे कफन पहना देंगे। तेरी तो छुट्टी होनी होनी है, तेरे साथ हम सब की छुट्टी हो जाएगी। हमें गौर से देखो और ये बताओ कि हम शक्ल से करोड़पति लगते हैं कि नहीं। मैं भी कपड़े तो बिल्कुल करोड़पति लग रहे हैं, वैसे तू बनास्पति है। बड़ा तेरा मुंह है दमे वाली चूई हुंदी। ओए मुंह है, ओए आदा लाला ओए, ओए आसमान चिमटा लगदा है। बदतमीज आदमी, ओए मर गया। कन्ना ले की है, ओए तिन्नू कह रहे हैं तेरी मुछा फाड़ के मैं रेत दे देंगा बेवकूफ। ओए किसी अन्य कुत्ती दी औलाद। और सुनो, तुम्हें क्या पता है कि हमने एक करोड़पति लड़की फंसाई है, और अन करीब हम उससे शादी करने वाले हैं और करोड़पति बन जाएंगे। ते फिर मैंने तोलिया साबुन दे रख लो। अगर तुम्हारे जाने के बाद साहब आ गए तो कभी तो कोई सही बात कर लिया कर जापानी नस्ल। बदतमीज आदमी, सारे मेरे साथ मिलकर दुआ करो, या अल्लाह साहब का दोस्त आने से पहले उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आमीन। उसकी टांगे टूट जाए, आमीन। वो यहाँ तक ना पहुँच सके, आमीन। अल्लाह तुम सबको उठाए, आमीन। हूँ बड़ा घबराए गिदड़ अंगो हो गया है। तनखावा तेरा प्यो देगा। बड़ा तेरा मुंह है सिकिंटा वाली सुई हुंदी। बेटे का हल्ला जा, मां रात नू टाइम देखेगी। कौन हो अजनबी, और ये लैला कौन है तुम्हारे साथ? मैं क्या बाऊ जी, असी सुनिया सी ये घर खाली देंदे, तदे ही इत्थे गंदियां गंदियां चुड़ेलां ने कब्जा कीता है। उस्ताद जी, ए बच्ची है के बच्चा? मेरा ख्याल है हले तक नहीं बचिया। मेरी गल भी करो, तुम्हें अंदर आने की जरूरत कैसे हुई, और ये दरमियानी चीज यहां क्या लेने आई है? ए आरफ लवार दी फूफी है। मैं क्या कोट पतलून वाली बेवा मेम, एदे वाला ते ना जाना, ए तुहाडे चों इक तेनू चूरा करेगा ते बाकियां नू छान पूरा करेगा। ए छोटे साहब दा नजायज पुत्र हम हैं इस वक्त साहब, और हम यहाँ फिरौन के गेटअप में हैं। चलो जाके पलवाना दी माले चार। चला वो गंदे जाई हो गया। तू किधर है? जिम्मे बांदर का शिकारी होंगे। जरा सारे मिलके हदिया जुआ कटो, तो सारे गंदे कपड़े तो आओ। लररी रोरी ए जड़ा लारा लूरी करन दिया, ये कौन है ठंडी स्त्री दे मुंह वाला? ये तेरे आने का टाइम है। आई एम सॉरी। तेरे सारे को लगे आग, एक ही जगह एक घंटे से मटक मटक कर वक्त काटा है मैंने। ओहो देखो, क्या बताऊं, सुबह से घर के सामने आदमियों की एक लंबी कतार। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को तबादला करवाना है, किसी को शादी के लिए पैसे चाहिए। अच्छा माफ कर दो, आइंदा इंतजार नहीं कराऊंगा। गरीब आदमी अमीर आदमी का और अच्छे दिनों का हमेशा इंतजार करे है बाबू। अच्छा ये बता, आज अपना घर दिखाओगी? गरीब आदमी का घर देखकर क्या करोगे बाबू, मुझे सेठ साहब के घर पहुंचा, अभी उधर भी झाड़ू फेरना है। साहब का सूट खराब कर दिया। ठीक है, आज जब तक अपना घर नहीं दिखाओगी मुझे कसम है तुम्हारे प्यार की, उसी महल के सामने अपनी मौत तक खड़ा रहूंगा। इतना प्यार करे हैं, ते जानता नहीं ते आसमान है और हम जमीन, हमें कैसे होवेंगे? जैसे
शहजादा सलीम और अनाल कली एक हुए, सची पुनु एक हुए, सोनी महिवाल एक हुए, इसी तरह। बस 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 जलील होके मरना चाहे है तू, जा चला जा, बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, अरे तेरे जैसे लोगों को तो हवा से नमूनिया हो जावे है, सर्दी की बारिश में भीगेगा तो जम जाएगा तू। अगर मर भी गया तो क्या है, मैं खड़ा हूँ, घर नहीं दिखाना, ठीक है, लाश उठाने जरूर आ जाना। अरे जा, बड़े देखे तेरे जैसे खुदकशी करने वाले। अंकल हम आए हैं। इस घर में तो अपनों ने आना छोड़ दिया आशा, तुम्हें इस घर की याद कैसे आ गई? ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? नादिया को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या नहीं है इस घर में, समझ नहीं आती किस चीज की तलाश में वो गरीब लड़की का रूप धार के दर बदर फिरती है। मुझसे पूछे तलाश में फिरती हूँ मैं। शुरू से उल्टी खोपड़ियाँ तुम्हारी, सर पे संगमरमर की छत, पैरों में कीमती कालीन और लाखों के बेड पे सोने वाली को सुकून नहीं है डैडी। क्या कीमती कालीन पर चलने से किरदार ठीक रहता है? क्या कीमती फानूस की तेज रोशनी अंधे को रास्ता दिखा सकती है? क्या लाखों रुपए के बेड पर सोकर बीमार को शफा मिल जाती है? नादिया ऐसी क्या परेशानी है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती? मुझे सच्चा प्यार है डैड। शहर का कौन सा रईस ज्यादा है जो तुम्हें प्यार की नजर से नहीं देखता? जरूरी तो नहीं जो प्यार से देखता हो वो प्यार करता भी हो, यूं तो प्यार से हर मोटे जानवर को कसाब भी देखता है। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम्हें कोई ऐसे शख्स मिल जाएगा जो इन सब बातों से बेनियाज होकर तुम्हें चाहे। जी, और वो मुझे मिल चुका है। कौन है वो? एक करोड़पति जो एक गरीब लड़की को सबसे ज्यादा पसंद करता है। इम्पॉसिबल। देखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। आजमाना चाहे तो इसकी आखिरी सांस तक आजमा सकते हैं आप, क्योंकि ये आपके महल के लिए नहीं एक मुलाजमा के लिए खड़ा है। सर कॉफी। हाँ सर। जी सेठ साहब। इसे अंदर ले आओ। ओ सेठ साहब, इसको उठा के लाए या चला? एहतराम के साथ। ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। आओ यार चलो। और यार तुम इधर बारिश में खड़ी है, हमको ठंड लगती है और तुम इधर खड़ी है, हमारे साहब ने तुमको याद किया। आओ बेगम साहबा बुलाती है। सुना है बहुत बड़े महल में पैदा होने वाले को पैसे पैसे के लिए मोहताज और पैदल सवार लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। इंसान चाहे कितने ही ऊंचे महल में जन्म क्यों ना ले, लेकिन पांव जमीन पर ही रखकर चलता है। हम तुम ना मेरे बाप ना मालिक, सवाल मेरी आंखों में पड़ो, क्या सोचकर मुझे ये किराए के टट्टू यहां लेकर आए? इससे ये ऑर्डर हमने दिया है क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं और ये कतन पसंद नहीं करते कि हमारे महल में झाड़ू देने वाली का हमारी पसंद पर कब्जा हो जाए। मैं तुम्हारे महल का डेकोरेशन पीस नहीं, जिसे तुम जब चाहो जहाँ चाहो उठा के रख दो। मैं तुम दामाद बनोगे हमारे, ये हमारा अटल फैसला है और ऑर्डर भी। हमारी बेटी तुमसे बड़ी हवेली
तुमसे ज्यादा फैक्ट्रियों और तुमसे बड़े फॉर्म की मालिक है और ये सब कुछ हम तुम्हें जहेज में देंगे। इन सब चीजों के बदले मैं तुम्हें उस लड़की के पांव की धूल भी नहीं दे सकता। एक दफा फिर सोचो लड़के। सोचकर साजिश की जाती है सेठ, प्यार नहीं। हम अपनी तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जानी। हमें ठुकराकर पहला कदम उठाओगे तो अपनी दहलीज में दफन कर देंगे तुम्हें। बखुदा हमें मरते देखोगी तो जीने से नफरत हो जाएगी तुम्हें। निशानेबाज से कहो उस गरीब लड़की के लिए धड़कने वाला दिल यहां है। शाबाश बरखुरदार, शाबाश। जैसा सुना था वैसा पाया। तुम इम्तिहान में पास हो गए, हम हार गए और हमारी बेटी जीत गई। ये सब क्या टोपी ड्रामा है? हमसे पूछो, हमने गरीब बनकर तुम्हें हासिल किया क्योंकि हमारे डैडी और हमारे दोस्त का ये दावा था कि तुम बिक जाओगे, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम सर से लेकर पांव तक मेरे हो, सिर्फ मेरे। डैडी जल्दी से थोड़े से छुआरे मंगवा ले, मुझे ठंड लग रही है। रह के मेरा नहीं होता यार गुजारा, मुझे बाहों में आने दे, सपनों
अल्लाह अल्लाह मेरा दिल धड़के, अल्लाह अल्लाह तेरे लिए तड़पे, बल्ला बल्ला रे बाबा तेरे नखरे, तौबा तौबा शोला तन में भड़के। जीना अजाब करके रख दिया है, हर वक्त कर्ज मांगते रहते हैं उल्लू के पट्टे, ये भी नहीं देखते कि कोई वक्त किसी के रोमांस करने का भी होता है। कौन? हेलो, उल्लू के पट्टे हरामजादे। ओह जी जी, गधे के बच्चे, मेरी गाड़ी लेकर कहां फिर रहे हो तुम? हाँ जी सर जी, तुम जहां भी हो फौरन मेरे पास पहुंचो। इडियट जी। डार्लिंग, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, तुम टैक्सी लेके घर चली जाओ। टैक्सी! और तुम्हें टैक्सी! क्या हुआ, किसका फोन था और ये तुम सर सर किसे कह रहे थे? हाँ सर, हाँ मेरे सर में दर्द। नहीं, हाँ याद आया, वो एक पुराना मुलाजिम है, वालिद साहब का रखा हुआ है, इतना पुराना है उसे इज्जत से सर कहना पड़ता है। असल में उसे हार्ट अटैक हो गया है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम चलो, मैं शाम को मिलूंगा। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरा मतलब है, तुम आज तक मेरे घर नहीं गई, किसी खुशी के मौके पर चलेंगे ना, अच्छा नहीं लगता है। हाँ शाम को मिलेंगे, खुदाफिस खुदाफिस। जल्दू जलाल तू आई पलक उठा तू, जल्दू जलाल तू आई पलक उठा तू। साहब के साथ कौन कौन अंदर है? और जिन्हों तू बेस्त कीता सी। जिन्हों मैं बेस्त कीता सी? आहो, वो लंबे लंबे वाल वाली बाबरा शरीफ। और बाबरा शरीफ नहीं, वो मुंडा है, बड़ा तेरा छोटे फरवेर का मुंह है। वो मुंडा है? आहो, वो बाबरा शरीफ तो बाबर अली बन गए। ओए ने पतो जाके ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराया सी? कपड़े ला। ओए ओ बाबा, तेन गोली मारन च फिरदा ही। कमीज ला, बेल्ट खोल दे। बांदर नू पीटी सिखाउन लग पे। गल सुनो, तबीतां ठीक हो गई ने के एक फेरा हो रहा। सलाम पलवान जी। हां जी, तू बड़ा सूट पा के ते फुर फुर करके गया सा। वापसी हमाम तो आई है? मैं ताड़े हमाम गया सा, बंदा कोई नहीं सी। साडे हमाम ते हबशी बैठा हुंदा है, ए आलो ने कीता है। कन्न फाड़ ओए, कन्न फाड़। मैं कहना कन्न फाड़, कन्न
कान उठ के खड़ो है, मैं हो गया नहीं रहा। अग्या लो जी पहलवान जी, ऐसी हूं तराश खराश तुसी आप करो, मैं जरा जंगल पानी होया वा ते या फिर जंगल नू पानी दे आवा। तुम ठहरो, तुहानू बुला रहे ने। मेरे मगर बड़ा होना है, मेरे नाल गिज गया करते तेरे साई मरा तेरा जमण वालिया दी। गुस्ताख इंसान, तुम हमारी गैर मौजूदगी में इस घर के मालिक बने फिरते हो। जलील कमीने, सूट भी हमारा, बूट भी हमारे, पार्सल भी हमारा और गाड़ी भी हमारी। ये कच्चा भी आप क्या उतार दूं? माफी मांगो बाबर से, माफी मांगो। पहले इसके पैर धुलाओ। माफी मांगो। हम पागल कुत्तों को पालने की गलती नहीं किया करते। गड़ाओ गलती। ठहरो और ठहरो। छोड़ो बाबर, छोटे लोगों के साथ छोटे नहीं हुआ करते। हम अपनी शान से छोटे असूल और छोटे इंसान बर्दाश्त नहीं किया करते बाबा। तुम भी गौर से सुनो बाबर, ये तुम्हारे नहीं हमारे मुलाजिम है। अशहर लगा चप्पड़ गनातिए। और हम अपने महल के मुलाजमों को मालिक समझते हैं। अपने महल की कीमत बोलो। ये चेक भर लो, ये चेक कभी डिसऑनर नहीं होगा। बात मुझे देख कर करो बाबर। हम अपनी जात से बाहर झांकने के आदि नहीं है बाबा। अपने नौकरों को लेकर महल से बाहर निकल जाओ और जाकर कह दो अपने भाई से कि हम अपनी आन के आसमान पर अपने आप को देखना पसंद करते हैं। आओ सी ट्रक कर लीए, चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदे दी। इम्पॉसिबल, पर कटा परिंदा इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। ये परिंदा परों से नहीं पैसों के जोर पे उड़ता है भाई साहब। पैसे अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, आज ये फैसले भी उसके नाम कर दूंगा। और उसके बाद? और उसके बाद ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी, और इस जंग में सबसे पहले तेरे बेटे की जान निकालूंगी मैं। शट अप, बंद कर दो ये फैक्ट्री। तेरे एक ऑर्डर पर हर मशीन थम गई। तुमने देखा, अब दूसरे ऑर्डर पर बाबर के सांस बंद हो जाएंगे, ये अभी तुम देखोगे। और आखिरी ऑर्डर पर तेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। नोटेड। हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करना। गो। बाबर इसे पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने हाथ काट के दे चुका है मैडम, अब कुछ नहीं होगा। फिक्र ना करो, इसकी गर्दन में आने वाला फंदा हम तैयार कर चुके हैं। साहब, एक नंबर साहब के लिए एक नंबर लड़की ने दावतनामा भेजा है। एक नंबर लड़की की महफिल में मेहमान भी एक ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, प्लीज बैठे सर। हम एक नंबर बाप के एक नंबर बेटे हैं, लिहाजा एक नंबर की मेन कुर्सी पर हम बैठेंगे। हमने रेस कोर्स के मैदान में भी कहा था, आज फिर दोहराते हैं कि इस मुल्क में जितने भी एक नंबर के लोग हैं, अक्सरियत दो नंबर का काम करती है। बैठ जाइए, क्योंकि दो नंबर के आदमी को हमेशा दो नंबर की कुर्सी दी जाती है। ये रेस कोर्स का मैदान नहीं जहां घोड़े की लगाम खींच कर जीत जाओगे। यहां एक नंबर की कुर्सी पर बैठने के लिए अपने आप को एक नंबर का आदमी साबित करना पड़ेगा तुम्हें। बोलती जाओ, साबित करके उठेंगे। मेरे साथ शादी करना होगी तुम्हें। समझो, हो गई। लेकिन इससे पहले
अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम करना होगी। सब कुछ तुम्हारे नाम और तुम हमारे नाम। सच पूछो,
तो आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसको देखकर दोबारा देखने को जी चाहे। पाओ जरा कोट के पिछू बड़ी अच्छी फिटिंग है। गल के हर रोज तुसी नवी कुड़ी फसाउन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? उस चेहरे की खातिर जिसको देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो जाएं। अभी तक हम नामुकम्मल हैं, जैसे ही ऐसी सूरत हमारे सामने आ गई हम मुकम्मल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है मेरी शक्ल में तुसी कदी गौर नाल वेख्या ही नहीं। यस कोई लड़की पहली बार देखी है? हाँ बाखुदा ऐसी लड़की पहली बार देखी है। हाँ वो तुम हो जिसका मुझे इंतजार था, वो तुम ही थी जिसकी मुझे तलाश थी। वही आंखें, वही नाक, वही जिस्म, वही बाल, वही हूरों जैसा लाजवाल हुस्न जिसकी पूजा के लिए हमें पैदा किया गया, वो तुम ही तो थी, तुम ही हो। लड़कियों को फंसाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है मिस्टर। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके सामने आते ही हम नहीं रहे, हम बेकाबू थे आज बिखर गए, हम पत्थर थे आज पानी हो गए। खुदा के लिए इस पानी को अपने पांव के साथ बहने की इजाजत दे दें, इजाजत दे दें। चांद सिर्फ चमकता है, प्यार से देखने वाले की गोद में नहीं गिरा करता। लेकिन हम इस चांद के बगैर जी न सकेंगे। खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार हमारे साथ बैठकर एक कप चाय पी लें। मीठी चीजें और मीठे लोग अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। पहलवान इस किले तो बगैर रेहड़ी ढावे तो फिर मना। हम कितने खुश नसीब हैं, हमारा आइडियल खुद ही चलकर हमारे सामने आ गया। पिछो आके छेड़ेगी तो फिर ठीक है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? कार्ड पढ़ लेने हैं, मेरे च क्यों मिठा रला होने हैं? महल के मालिक के नाम ये तो तुसी हो। हाँ ये तो मैं हूं। बाकी अंदर पढ़ के वेख लेने के कहड़े महल आई है। कल हमारी सालगिरह है, इस मौके पर लोग हमें देखेंगे और हम तुम्हें देखेंगे। नादिया से मिलने गई थी तो कुछ और थी।
वापिस आई हो तो कुछ और हो, कार्ड जानी को देने गई थी, लेकिन उसकी जगह उस बदचलन शिकारी को पाया जिसके करतूत सुन सुनकर मुझे करोड़पति लोगों से नफरत हो गई है। करोड़पति तो अपना जानी भी है, हर सांप के मुंह में जहर नहीं होता। ये क्या, तुम तो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, इसे दावत पे बुलाने आ गई हो? अपनी सालगिरह की महफिल हमने सरमायादारों को जलील करने के लिए सजाई है, तुम बैठो हम आते हैं। हेलो हेलो, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जी फरमाइए। मैं एक नंबर बंगले का मालिक हूँ। साहब मैं एक नंबर बंगले का खानसामा हूँ। खानसामा और इतने कीमती सूट में, हमको समझे नहीं। साहब मैं अपने मालिक के गैर मौजूदगी में उनके ये कीमती सूट पहन के बड़ी गाड़ी में घुमा करता था। एक दिन एक गरीब लड़की को दिल दे बैठा, बाद में पता चला वो करोड़पति है, मेरे पास तो चाय की पत्ती भी नहीं। तो फिर? खुदा जानता है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसके साथ झूठ बोला, फ्रेड किया, तो वो मुझसे रूठ जाएगी, मेरे मुंह पर थूक देगी। साहब तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, खाली जेब अगर कट भी जाए तो उसका दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब उसके मुंह फिरते ही मैं मर जाऊंगा। उस बेवकूफ लड़की का नाम पूछ सकते हैं हम? उसका नाम कौन नहीं जानता साहब, इस शहर का कौन सा रईस ज्यादा है जो अपनी मिलों की रजिस्ट्रियां लेकर उसके घर नहीं गया। आप भी यकीनन गए होंगे, उसका नाम है नादिया। नादिया? हाँ साहब। तो फिर हमारे पास क्यों आए हो? मुझे नौकर रख लें साहब, और इसके बदले में अपनी कीमती गाड़ी में घूमने और कीमती सूट पहनने की इजाजत दे दें। अगर हम ये बंगला, कीमती गाड़ी और ये सारे सूट तुम्हारे नाम कर दे तो? मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता साहब। लेकिन हम तुम्हें मुफ्त नहीं देंगे, इसके बदले में तुम्हें नादिया की इज्जत पर हाथ डालना होगा और हमसे मार खाना होगी। इसी तरह हम नादिया के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बोलो मंजूर है? गरीब में हजारों नक्श होते हैं, लेकिन एक ही खूबी होती है कि वो बेगैरत नहीं होता। हराम ज़ादे, शायद तू ये नहीं जानता कि इसके बदले में मैं तुझे कितनी दौलत देने वाला था। तुम सारी दुनिया की दौलत पिलाकर मेरे पैरों में ढेर कर दो तो कसम है पैदा करने वाले की मैं तुझे उसकी जूती भी ना देता। मैं खुद उसकी नजरों में गिर जाऊंगा अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखा, तो पूरी दुनिया को अंधा कर दूंगा मैं। इस थप्पड़ का जवाब मैं तुझे नादिया की महफिल में दूंगा। जानी आप और यहां, तुम्हें ढूंढने आई हूं। आपको किसने बताया कि मैं यहां हूं? हम आसमान पर रहते तो नहीं, लेकिन आसमानों की खबर जरूर रखते हैं। चलो बैठो गाड़ी में, इधर नहीं ड्राइविंग सीट पर। बात है, कुछ परेशान लग रहे हो, खैर तो है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। आपकी गाड़ी किधर है? मालिक ले गया। क्या? मेरा मतलब ड्राइवर ले गया। अच्छा, आप इधर क्या लेने आए थे? वो 10 लाख रुपया उधार लिया था उसने, वापस देने का नाम ही नहीं लेता। चक्कर लगा रहा था, मैंने कहा पता करता चलूं। वाह, लोगों को 10-10 लाख रुपया उधार देते हो, हमें
अवारी में खाना ही खिला दो। या अल्लाह, कैसे इज्जत बचाऊं? मेरी जेब में तो सिर्फ 140 रुपए है। फिर सोच में पड़ गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि 5 स्टार में तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज नान हलीम खाएं? साल में एक दफा जरूर खानी चाहिए, और आज तो वाक से मेरा वही दिन है। ये कौन सी डिश है? बड़ी एनर्जेटिक डिश है, एक दफा जरूर खानी चाहिए, कम से कम इसे तो जरूर खिलाएंगे, इसकी तो सेहत बने। आ जानू, लक्ष्मी चौक चले? जी नहीं, अब यहाँ से सीधा आवारी होटल चलेंगे और वहीं से खाना खिलाएंगे। लगता आज मेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। मुझसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। चले। प्लीज। हाँ, याद आया, क्या बात है इनके बर्गर की। मैं यहाँ जब भी आता हूँ कुछ नहीं खाता सिवाय बर्गर के। ऐसा करते हैं, 2 बर्गर मंगवा लेते हैं, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं। क्यों भूख नहीं है डार्लिंग, आपको खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ। 2 बर्गर बस। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह, खैर? आप ऐसा कीजिए, 2 प्लेट मशरूम, मशरूम तो, चिकन शाशलिक, फिश एंड चिप, चिकन ब्रोस्ट, और फ्री लैम्ब चॉप कर दीजिए, ब्रेड, और 3 कोक ले आइएगा। थैंक यू। अच्छा कि ऑर्डर दे दिया, मुझे भी बड़ी सख्त भूख थी। वो एक्सक्यूज मी। Oh yes, why not? मर जाएगा नादिया, बेचारे को माफ कर दो, आज ही तो इसको सताना है। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ। मिस नादिया को आप जानते होंगे? जी जी, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो मेरे साथ हैं, मेरी थोड़ी इज्जत रख लें, कल पेमेंट कर दूंगा। सॉरी सर, हमें इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं सर, होटल आप ही का है, जो चाहे ले लें। थैंक यू। थैंक यू। इतना सा ऑर्डर? नादिया, आप मेरे साथ आई हैं, कम से कम आपको अपना नहीं मेरा तो सोचना चाहिए। ये वेटर, वेटर जी फरमाइए। ये 4 टेबल जोड़ के लगा दें, किचन में जो कुछ भी है, जितना भी है, सब लगा दें। बेहतर सर। कमाल है, कहाँ एक बर्गर पटर खा रहे थे, कहाँ सारा किचन मंगवा रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना डालें? पहले कुछ गड़बड़ थी, जब से होके आया हूँ ना, भूख इतनी लग गई है। डार्लिंग, मेरा तो जी चाहता है दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में रख दूं। मुझे आपके जज्बे का एहसास है डार्लिंग, इसीलिए तो आज लंबी शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया है। क्या हुआ? ये खाने के बीच में शॉपिंग कहाँ से आ गई? मेरी तो भूख ही मर गई। भूख उड़ गई है? ठीक है, हम भी नहीं खाते, शॉपिंग करते हैं, फिर घर चलेंगे। आ जाओ, चलो आशीष। घर तो तुम ही जाओगी, मैं तो कब्रिस्तान ही जाऊंगा। चलो। जानू? जी। वो ऐसा करते हैं कि कल ना कर ले शॉपिंग। क्यों? इसलिए कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह ना करे भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी बातों से तो यही लगता है सब काम इसे आज ही याद आने हैं, जैसे कल मैं मर जाऊंगा तो मैं मिलूंगा नहीं। खाना खा लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। आप तो कहते थे मैं दिन को रात कहूंगी,
तो आप सूरज निकाल देंगे। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन जानू टाइम देखो 15 मिनट बाकी है बैंक बंद होने में और मेरे पास चेकबुक भी नहीं है। इससे परेशान होने वाली क्या बात है, क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा और बैंक वो सामने है। या अल्लाह खैर, मेरा मुश्किल पेपर शुरू हो गया, नकल मारने के भी चांस नहीं, पास करना। अब क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि बैंक मैनेजर के बच्चे से कल मेरी तूतू मैमे हो गई थी, 25-30 करोड़ रुपए का कोई मसला था, बैंक में नहीं थे, सोच रहा हूँ कि आज वो 5 लाख देगा कि नहीं। जरूर देगा, आप जाएं। जानू कल भी ठीक है। जानू अब मैं तेरी बात मानू कि ना मानू। अच्छा नादिया की बच्ची तुम चाहते क्या हो? इसको जिच करना। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आवाम की खिदमत करने के लिए। मैं आवाम हूँ, आप मेरी खिदमत करें। क्या चाहते हो? मुझे कर्जा चाहिए। जमानती है आपका कोई? अगर मेरे पास जमानत के लिए पैसे होते तो मैं कर्जा क्यों लेता? आप सरमायादारों करोड़पतियों को बगैर जमानत के कर्जा दे देते हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते? जिनका हक है उन्हें कर्जा चाहिए। मैं गरीब हूँ, ये देखिए मेरे पास कुछ नहीं, इस वक्त मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, मुझे कर्जा चाहिए। मैं आपसे कर्जा लेकर जाऊंगा, हर हाल में लेकर जाऊंगा, मुझे कर्जा चाहिए। हेलो हेलो, मैनेजर साहब, मैं नादिया आबिद बोल रही हूँ। जी 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 सर। अभी जो लड़का आपके पास आया है, इसे हमारे अकाउंट में से 5 लाख रुपया दे दें और उसे हमारा ना बताना। ठीक है, ओके। गार्ड इनको 5 लाख रुपया लाकर कैशियर से दे दो। सर तशरीफ रखें, आप ठंडा पियेंगे? आप यही बात, अगर आप मेरी तकरीर से पहले कर देते तो आपका क्या जाता? इससे साबित हुआ कि अगर गरीब अपना हक मांगना चाहे तो उसे मिल सकता है। उफ, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। उफ, जानू क्या ख्याल है कि आज शॉपिंग सिंगापुर में ना कर ले? ठीक है, आप 10 लाख रुपया और ले आए। 10 लाख नहीं, मेरा ख्याल है कि बग का प्रॉब्लम है तो यही कर लेते हैं। जी क्या बात है भाईजान, आज आपके मूड में अप्स एंड डाउन बहुत आ रहा है। पूरे मुल्क में यही हो रहा है, सड़कों पे अप्स एंड डाउन, सियासत में अप्स एंड डाउन। चलो छोड़ो इन बातों को, ये पैसे तुम रखो, ट्रिप लगवा लेना। रखो रखो। आप जब भी डाउन होने लगेंगे हम आपको अप कर देंगे। यम यम यम। जानू तुम ही कुछ शर्म कर लिया कर, चलो ये गन घर जाके करेंगे। सोच रहा हूँ कि ये ले लूं। हाँ इमरान खान से मेरी बात हो गई है। अच्छा? हाँ हाँ, अपना जो इमरान है ये देखो, चलो दफा करो। हाँ इमरान को मैंने कह दिया कि तुम सिर्फ हॉस्पिटल संभालो, ये मेरे हवाले कर दो। हाँ खरीद लूंगा मैं। हेलो ये देखें ये। आप मेरी तरफ देख। आहो जी तुम्हारी शक्ल दी इन्हें भैन गुआची है। बकवास करन दे, ये शक्ल दी 6 भैन ने। कोई नहीं कोई नहीं, पढ़ता नहीं। क्या क्या हुआ जानू? वो कुछ नहीं हुआ, वो ये तुम पैक करवा लो, मैं तुम्हारे लिए नहीं सालगिरह का सूट लेकर आता हूँ। मैंने कहा मैडम बड़ा बदतमीज लवर है आपका, पेस में आकर भी चूंटियां काटता है। ये पैक कर दे और ये पैक कर दीजिए। नो।
मैं क्या कट्टा किने खोले है? तेरी मां ने जिस सेट को आपकी नजरों ने छुआ है उसे और कोई नहीं पहन सकता। ये तमाम सेट आपके साथ जाएंगे, पैक कर दो इन्हें। जी बेहतर सर। क्योंकि आसमान पर सितारे और औरत पर सिंघार जितना भी हो कम लगता है। जिस्म के पेचो खम और वजूद के जेरो बम के पुजारी मर्द हम पसंद नहीं करते मिस्टर बाबर। मैं ते पहलो ही किया सी के गामे नू गामा चक्कर गया। आप जिसे ताना दे रही हैं वो आपको अपनी तकदीर समझता है। अब हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि सालगिरह के मौके पर सर से पांव तक आप हमारी सोचों का साया बने। आप जैसा अपनी आइडियल को देखना चाहते हैं आपको वैसे ही मिलेगी। जो चाहे भिजवा दें। कांड पार जा पई हूं पहलवान। सिर्फ इतना बताओ कि हम उसे सालगिरह के मौके पर क्या दें कि हम लगे ताजमहल। वेरी गुड, हम उसे ताजमहल ही देंगे। मुबारक हो, सेठ साहब ने तुम्हारी 7 साल की सजा माफ करवा दी है। लड़की, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम्हें दोहरे जुल्म से निजात दिलाई है। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या इस मुल्क की औरत बेगैरत मर्दों के हाथों इसी तरह लूटती रहेगी? क्या इस मुल्क की हर मरियम का तकद्दुस पामाल करने वाले धनधनाते फिरेंगे? मैंने एक नेक औरत को नई जिंदगी की खुशखबरी दी है। तुम एक बुरे मर्द को खत्म कर दोगी तो इस मुल्क की हर औरत की हारी हुई जंग जीत लोगी। अब सिर्फ इतना बोलो साहब कि मेरा शिकार कहां छोड़ाए हो। ये रहा उसका एड्रेस। तुम्हारा एहसान हमें और हमारा इंतकाम उसे शांत रहेगा। शहंशाह हिंद ने इसे बनाया अपनी मोहब्बत के लिए, अबदी नींद सोने के लिए। हम इसे तामीर करेंगे सुहाग रात मनाने के लिए। पहलवान जी, तुहाडी सुहाग रात ते फीती फीती हो गई। तुम्हारे हर ख्वाब को किच्ची किच्ची कर दूंगी मैं इस कीमती मॉडल की तरह। बिल्कुल इसी तरह टूट फूट कर बिखरी हूं मैं। तुम? हाँ मैं हुस्न का वो खंडर हूँ जिसकी तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम जैसे हर बदकार को हर रोज सैर करना होगी। जिंदगी तुम्हें मरने नहीं देगी, समीर तुम्हें जीने नहीं देगा। सुबह के भूले को घर का रास्ता दिखाने की खातिर बेसकून और बर्बाद करने के लिए आती रहूंगी। ले भी पहलवान, तेरे बुरे दिन आ गए। ये सुहाग रात तेरे लिए किधरे तजाब रात ना बन जाए।
पानी कितना ही गर्म हो जाए आग नहीं बना करता। जाओ पर जाकर कह दो चौहरी से कि साल गिरा होने से पहले पहले हमें ताजमहल मिल जाना चाहिए। मुबारक हो। थैंक यू मुबारक हो। थैंक यू मुबारक हो। थैंक यू। हेलो अंकल, आप हैरान तो होंगी, बड़ा अजीब और अनोखा तोहफा लाया हूँ आपके लिए। कुछ देर के बाद आपको उसकी जरूरत भी पड़ेगी। पहले केक काटने के लिए और उसके बाद किसी की जबान काटने के लिए। ठीक कहा आपने, बड़े दिलों पर ये छुरी चलेगी आज। भाईजान आप खाली हाथ आ गए। इंसान आता और जाता हमेशा खाली हाथ है। तुम खाली हाथ आए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुम इस सारी महफिल को मुखातिब करके ये ऐलान करो कि तुमने इस मौके पर तोहफे में हमें अपना आप बख्शा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे तन्हाई में एक बात करना चाहता हूँ। आज बातें ही तो करनी है, कम ऑन बोलो क्या बात है। बड़ी कोशिश की कि अपने जमीर की आवाज को कुछ दिनों के लिए दबा सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका नादिया। जो हो सका है वो बता दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला है नादिया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया, नाकाबले माफी धोखा किया, लेकिन बाखुदा मैं मजबूर था। कुछ लोग ऐसे होते हैं नादिया जिनके बगैर इंसान अधूरा होता है। होता है। मैं अधूरा था, तुम्हें देखा तो मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं नादिया। तुम आसमान हो, मैं जमीन हूं। मेरी जगह तुम्हारे कदमों में थी, लेकिन मैंने तुम्हारे सर का ताज बनने का ख्वाब देखा। मुझे माफ कर देना नादिया, आज मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए जा रहा हूं, कभी वापस ना आने के लिए। इस तकरीर और तकलीफ की कोई खास वजह? मैं करोड़पति नहीं नादिया, एक करोड़पति का खानसामा हूं। बोलो, 110 करोड़ मालियत की वाहिद वारिस हूं मैं, और मैं इसकी हूं। फिर ये गरीब कैसे हो सकता है? बोलो, हो सकता है? कहा था ना, बड़े दिलों पर ये छुरी चलेगी आज। सुना आपने, आपकी बेटी ने क्या कहा? हाँ, हमने सुना। ये हमारी बेटी के आसमान का चांद है, और चांद को करोड़ों सितारे मिलकर भी मान नहीं कर सकते। एक बार फिर सुन लो, नादिया इसकी है, आज भी कल भी और मरने के बाद भी। इश्क और ईमान इंसान के साथ कब्र तक जाता है। मैं अपने और तुम्हारे इश्क का ऐलान आज इन ऊंचे लोगों की महफिल में सरेआम करने लगी हूँ। सरेआम मेरे नाम लग जाओ।
दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा टोटे टोटे होके जद भी ओ टोटे टोटे होके जद भी आशिक दा सिर लैंदा इश्क दा गिरदा इश्क दा गिरदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा नहर बहाए घुंघरू बांध के पैरों में कोई रूठा यार मनाए घुंघरू बांध के पैरों में कोई रूठा यार मनाए पत्ती रेत पे मर के कोई प्यार की रीत निभाए पत्ती रेत पे मर के कोई प्यार की रीत निभाए कच्चे घड़े पे तैर के कोई यार के खातिर जाए कच्चे घड़े पे तैर के कोई यार के खातिर जाए चूली लड़के यार दा लोगो इश्क नजारा लैंदा इश्क दा गिरदा इश्क दा गिरदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा समादम समादम दम समादम समादम दम समादम समादम दम समादम समादम जो वादा कर लेना उसको पूरा करना किसी से जो वादा कर लेना उसको पूरा करना तलवारों के साए में भी यार का ही दम भरना तलवारों के साए में भी यार का ही दम भरना शाम मंसूर विखल लुआ के ओ शाम मंसूर विखल लुआ के ए हो गल जे कहंदा इश्क दा गिद्दा इश्क दा गिद्दा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा वे तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा रब दिलां विच वसदा यारा रब दिलां विच वसदा यारा बोले शाय खेंदा इश्क दा गिरदा इश्क दा गिरदा गिरदा पैंदा वे तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा दम समादम समादम दम समादम समादम दम समादम
हम बुरे दिन, बुरे ख्वाब और बुरे मंजर देखने के आदि नहीं, मिस नादिया। हम बड़े लोग, बड़े लोग बड़े नोटों से नहीं, बड़ी बातों से बनते हैं बाबर अली। एक नीच इंसान की खातिर इंसान आसमान से नीचे उतारा जरूर जाता है, मगर नीच पैदा नहीं किया जाता। और अगर छोटे लोग महलों के मालिक बन जाने से बड़े हो जाते हैं, तो जाकर पढ़ो उस रजिस्ट्री को जिसके मुताबिक इस महल और नादिया मिल का वाहिद मालिक मेरे पूरे वजूद का मालिक है। जिसे ये फैसला मंजूर ना हो वो इस महफिल से जा सकता है। हम महलों में नहीं, दिलों में रहते हैं सेठ। हमें निकालने की गलती न करना सेठ, पर न कोई दिल नहीं धड़केगा। तोड़ के रेजा रेजा कर देंगे अपने ताज महल की तरह। न ये धमकी है, न ये दावा है, ये हमारे दिल की आवाज है कि नादिया हमारे नाम लग चुकी है। मगर एक बात मत भूलना, अगर हम सजदा करने पर आए तो अपना सर नहीं फोड़ते, सजदा का तोड़ देते हैं। अर्श पर खुदा एक, आसमान पर चांद एक, और हमारे लिए जमीन पर चेहरा एक। हम अपने मोहब्बत के मंदिर में दूसरा पुजारी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। या अपना ऐलान बदलो या हमें अंधा कर दो। कितनी शदीद मोहब्बत करते हो, मगर हमसे नहीं हर एक से करते हो। इसी शिद्दत ने शादिया को बागी किया, और यही शिद्दत नरगिस को यहां खींच लाई। इसी शिद्दत ने रूबी को खुदकुशी पर मजबूर किया। आज इतना तो बता दो कि बेड पर पहुंचने से पहले हर लड़की इतनी खूबसूरत और बेड पर पहुंचने के बाद इतनी बदसूरत क्यों हो जाती है कि दोबारा देखने की जहमत गवारा नहीं करते तुम लोग? कितनी शदीद मोहब्बत करते ना तुम इस लड़की से कि तुम्हारी सारी जायदाद इसके नाम, तुम्हारी जान इसके नाम, सारी सुबह इसके नाम, हर शाम इसके नाम, लेकिन बेड पर पहुंचने के बाद सब कुछ भूल गए तुम। तुम मोहब्बत नहीं करते, मजाक उड़ाते हो, इश्क नहीं करते, अय्याशी करते हो। लो जी भाजी, मेरा भलवान तो टह गया जी। तुम इस कदर बेहिस, बेगैरत और बदकिरदार हो के शरीफ घरों में घुसने के भी काबिल नहीं। आई से क्या? पीछे पीछे हट के खड़ो, किसी और का भी दिल कर रहा होता है। लोहान जी इस उम्र क्यों, इस उम्र सत्तू मुके होंगे ने। आराम नाल सीधी तरह खलो, मुच्छा नू रेस दे देंगा, चल बाहर निकल। तू रेस देंगा मैं तेरे उत्ते चढ़ जाऊंगा। जेड़ा बाहर डिगया पिया पहले ओदे ते चढ़। तुम मोहब्बत नहीं करते, मजाक उड़ाते हो, इश्क नहीं करते, अय्याशी करते हो।
शरीफ घरों में घुसने के भी काबिल नहीं। कमी तो कोई भी न थी, फिर ये सब कुछ क्यों हुआ? कैसे हुआ ये सब कुछ, क्यों हुआ? हमसे पूछो तुम, हम सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे थे। तूफान आए तो सबसे पहले सबसे ऊंचे दरख्तों के सर झुकते हैं। वैसे भी हर बार होता खोर के हाथ मछली नहीं आया करती। अगर नादिया को फंसाना ही था तो इस महफिल में तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए था। अकेला ही तो था। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे साथ रूबी की आहें थी, शाजिया के आंसू थे और नरगिस की बद्दुआएं थी। वैसे भी जिस छोली में इतने सुराख हुआ उसे कौन भर सकता है? कोई भर सकता है? कोई नहीं भर सकता। पहले शीशे में देखा, अब गिरबान में झांको। न शक्ल में कमी, न अकल में कमी। कमी थी तो सिर्फ किरदार की। तुम बद किरदार हो, बद चलन हो। और ऐसे लोग इसी तरह बेइज्जत होते हैं। की हो गया पहलवान, आप भी टूट फूट गए। घर की हर शह भी तोड़ी पन्नी जा रहे हैं। जो पहलवान कुल दे होण ते इक ने ते विचों टहना ही हुंदा है। सबर कर यार, नादिया की शादी जानी नाल तय हो गई है। शादी की शॉपिंग भी शुरू हो गई। तुम आज भी इसके पहलू में, ये तेरी हमसे नफरत की इंतहा है। हम आज भी तुम्हारे पीछे, ये तुमसे हमारी इश्क की इंतहा। तुम्हें शायद भरी महफिल की बेइज्जती ने पागल कर दिया है। महफिल, महफिल में तो बता दिया था, लेकिन आज ये साबित कर दूंगा कि मैं अपने रास्ते की दीवारें बर्दाश्त नहीं करता। बड़ा जोर है तेरे हाथों में,
बड़ा जोर है तेरे इन हाथों में। इन्हीं हाथों से तूने मेरे भाई के मुंह पर चेकबुक मारी थी ना, अब ये हाथ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। नोटेड। इन्हीं हाथों से तुमने मेरे मुंह पर चेकबुक मारी थी ना, अब ये हाथ तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बाबर। सिर्फ हम, हाँ सिर्फ हम ही इस बेकाबू को काबू कर सकते थे और हमने किया। टिका आ रहा है तेरा चाचा। अब ये गाड़ी तेरे खून से इस बेकाबू की बेपत्ती की दास्तान लिख जाएगी। नोटेड। हरामजादा कुत्ते! क्या तुमने मुझे कुत्ता बोला? मुझे? आई डोंट माइंड। ये कुत्ता अब पागल हो चुका है और पागल कुत्ता ये ही चाहता है कि जिन हाथों से तू काबू करता था वो हाथ ही तेरे जिस्म पे न रहे बांस, न बजे बांसुरी। नोटेड अगेन। याद रखना शौकत, मैं कटे बाजुओं के साथ भी इंतकाम लेने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मेरा इंतजार करना, इंतजार करना शौकत। सजा ये है कि तुम नादिया के पीछे 2 टके के नौकर के हाथों बार बार बेइज्जत होकर पागल हो जाओ। तुम प्यार मांगो, तुम्हें प्यार ना मिले। तुम करार मांगो, तुम्हें करार ना मिले। तुम मरना चाहो तो जिंदगी मिले, जीना चाहो तो मौत आ जाए। और ये मौत तुम्हारी मेरे हाथों होगी, वरना ये जो हाथ कटने लगे थे मेरा घूंघट उठाने के लिए, मगर तो ये आखिरी मौका है बाबर। इस बिखरे हुए फूल की मुरझाई हुई पत्तियां संभाल लो बाबर। अब बेकाबू कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं हम। ये क्या देख रहा हूं मैं? ख्वाब भी नहीं, ऐसा मुमकिन भी नहीं। फिर ये सब कुछ क्या है? अदालत का ऑर्डर है कि आप ये महल फौरन खाली कर दें। यही नहीं बल्कि आपके बेटे ने आप पर इस महल का हर दरवाजा बंद कर दिया है। उसकी ये मजाल? अदालत अपने फैसले के खिलाफ एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया करती। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ? रेस में ऐसा अपसेट अक्सर हो जाता है। तुमने न जाने कितने घोड़ों की लगामें खींची, हमने सिर्फ एक घोड़ा काबू किया और सब कुछ जीत गए। लेकिन हमने जो कुछ जीता साजिश से नहीं, सरेआम जीता। अंजाम देखना चाहते हो तो रेस कोर्स की सीढ़ियों पर बैठ जाओ। इंतकाम लेना हो तो सारा जहान मैदान समझ लो, और अगर कोई आस बाकी हो तो अपने इकलौते बेटे से मिल लो।
बाबा नोटेड देख लेता हूं से ये मैंने क्या सुना बेटे? हम भी इसी गम में पी रहे हैं कि हमने क्या सुना। क्या सुना तुमने? यही कि हम किसी करोड़पति के नहीं, एक कोचवान के बेटे हैं। बाबा नोटेड, सिर्फ एक बेकार तांगे और बीमार घोड़े के वारिस हैं हम जो खैबर से कराची तक एक नंबर के आदमी मशहूर थे। क्या कोचवान होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन बेईमान होना बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनकी अच्छाई के लिए अल्फाज नहीं मिलते, दूसरे वो जिनकी बुराई के लिए अल्फाज नहीं मिलते। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुमने सुबह के भूले को घर का रास्ता दिखा दिया, तुमने सुबह के भूले को घर का रास्ता दिखा दिया। हमारे साथ आखिरी झूठ मत बोलो, क्योंकि हम जानते हैं भूला हुआ वापस आ सकता है, भटका हुआ वापस नहीं आता। एक बात तुम भी याद रखो बेटे, हम इंसान बुरे सही, लेकिन बाप बहुत अच्छे थे, और ये बाप तुम दोनों को खुशी और खुशहाली की दुआ देता है। जाओ अपनी अलग दुनिया आबाद कर लो। Thank you.
मेरे सांसों ने जो छेड़ी है, मेरे सांसों ने जो छेड़ी है, सरगम सजना तुम चुनाई चुन चुन चुनाई चुन चुन चुनाई चुन चुन चुनाई चुन चुन। नादिया, जिस तरह मैं अमीर हुआ हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान का हर गरीब इसी तरह अमीर हो जाए, हमारे मुल्क से बेरोजगारी तो खत्म हो। तुम्हें ये सब दिखाने का मतलब, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था। ये भट्टी जलती रहनी चाहिए हमारे दुश्मन की तरह। आज हम सजा बनकर नहीं, सवाल बनकर आए हैं नादिया। खुदा के लिए हमें सिर्फ इतना बता दो कि कौन सी ऐसी खूबी इस नीच में है जो हम में नहीं। अगर इसकी बदसूरती पसंद है तो हम अपना चेहरा मस्त कर लेते हैं, अगर इसकी गुर्बत पसंद है तो हम अपने आप को फकीर कर लेते हैं, अगर इसकी जहालत पसंद है तो हम अपनी डिग्रियां फाड़ देते हैं, अगर हमारे माजी से शिकायत है तो हम तौबा कर लेते हैं, और अगर गुस्सा है तो सरेआम सबके सामने तुम्हारे पांव छू लेते हैं, और अगर फिर भी तुम्हारी जिद है तो ये लो पिस्तौल नादिया और हमें मार डालो, हमें मार डालो नादिया, हमें मार डालो, हमें मार डालो नादिया। अगर तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है तो जाओ इस भट्टी में जलकर मर जाओ, समझ लो ये हमारा औजा भी है और तुम्हारे इश्क का इम्तिहान भी। मेरी नादिया का हाथ, नहीं तो काट दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दे। ओए क्यों ऐसे कुड़ी तो लड़ी जान दे हो दोवें, ओए कुड़ी मैं दे दे हो, मैं इसको बंदे चाउन दे दा सिखांगा, ले जाओ इन्हें, ले जाओ बेचारे नू। ओए ओए की दसा कुड़ी एक ते मुंडे दो ने, मैं क्या आपस वंड लो। एक ही चक्कर है? नहीं चक्कर कोई नहीं, दो मांदा एको कुड़ी नल चक्कर है, मैंनू चक्कर आउन दे ने। मैं जिंदगी च औरत नू कुछ नहीं समझिया, औरत जड़ी है जवानी नू खा जा। तुसी किथे हुंदे हो? का मंडी। का मंडी? तुहाडी मंडी आई है ते का पा दोगे? शट अप। वैसे मेरी गल सुनो, मैं टीका लोना तुहाडे कोलो चूकने ते, मैं जदो कुश्ती घुलना ना ते मेरा ए चूकना चूं 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 करदा, हालांकि मैं अगर किसे नू फड़ना ना ते मेरे अगे चूं नहीं करदा। हाथ बेहोशी के आलम में पत्थर हो चुका है, इसको होश आएगा तो हाथ खोल देगा। ये सरमायादार लोग गरीब के लिए सजा बनकर क्यों उतरते हैं? गरीब के लिए ही नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए सजा है। डॉक्टर साहब,
इस मुसीबत से मेरी जान कब छूटेगी? चंद लम्हे इंतजार कीजिए, मरीज होश में आने लगा है। चलो। ए डॉक्टर, नादिया किधर है? नादिया किधर है डॉक्टर? वो सिर्फ मेरी है, मुझे बेहोश न करो डॉक्टर, हम बेकाबू हैं, हम बेकाबू। मान लो कि हमें शह देने वालों को माँ देना आती है, और तुम भी मान लो कि आज तक किसी बकरे की माँ और उसकी मैं उसे छुरी से नहीं बचा सकी। बकरे को भी बचा लेंगे, लेकिन बेकाबू बाबर को काबू करने के बाद लौटे। दवाई पी लो बाबर। मेरी दवा ये नहीं, ये है। प्लीज, ये तो जहर है आपके लिए। जहर ही तो चाहिए मुझे, एक नागिन ने डसा है मुझे, रग रग जहर बन चुकी है मेरी, और जहर को जहर ही मारता है। हमसे तेज नशा मिले तो पी लो। तुम जिंदगी हो तो दूर हो जाओ, जहर हो तो करीब आ जाओ, तो नशा हो। क्यों ना ये नशा आज तू अच्छा करके मिलूं तुझे। हमें तुमने नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने जीता। हमें संभाल लेना, हम गिरने लगे हैं। कुछ तुम्हें पाने की खुशी में और कुछ इसे पीने की खुशी में। डोला
फिर होश में आइए। ये क्या कर रहे थे आप? ये दवाई पी लीजिए। किसी डॉक्टर से अपने नए दुख का दारू भी ले लेना बाबर। तुम्हारी बहन शौकत भाई के कब्जे में है। अगर उसकी इज्जत और जिंदगी चाहते हो तो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात और कैश लेकर मेरे पीछे आओ। प्रॉपर्टी तेरी शौकत लै गया ते प्यार तेरा जानी लै गया। मान ले पहलवान के तू टह गया। तकदीर हमसे नई तारीख लिखवाना चाहती है पहलवान। इस दूल्हा की गाड़ी सजा के रखना। आज हम साबित कर देंगे कि हम बेकाबू हैं। बेकाबू थे और बेकाबू रहेंगे। सुई पे सुई चढ़ गई लेकिन वो नहीं आया। न जाने कहां मर गया साला। हमने अक्सर देखा है के लोग अपनों की लाशों से गुजर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नादिया की मोहब्बत में पागल होकर अपनों को भूल चुका हो। बाबा नोटिस। जिसके तुम जैसे अपने हो वो अपनों को भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। और तुम्हारे तो मुझ पर एहसान ही इतने हैं कि अगले जहान तक याद रखूंगा। और हम अगले जहान तक अपनी एक गलती याद रखेंगे और वो ये कि अगर वाकई तुम्हारे हाथ कटते तो तुम जायदाद के कागजात और कैश लेकर यहां मेरे पास कैसे आते। नोटेड। तो मेरी बंदूक को चाहिए था लेकिन अगर तुम नादिया को भूलकर नरगिस को अपना लो तो मैं तुम्हें अपने बाप का खून माफ कर सकता हूं। शहर कभी शहर नहीं बना करता। हट जाओ वरना बाप के पहलू में रख दूंगा तुझे। अब हिसाब भी होगा और एहतसाब भी होगा। लगता है मेरी बारात अभी कुछ और जनाजे मांगती है।
होकर किसी और के लिए मर गई। अच्छा हुआ मर गई, मेरे लिए ना कोई जिया ना कोई मरा। मेरी तरफ से सारा जहान मर जाए, मर जाए सारा जहान मर जाए। तुमने किसी के लिए मारना सीखा, हमने किसी के लिए मरना सीखा, अब तो मान लो कि हम आदमी वाकई एक नंबर थे। किसी बच्चन के लिए कोई जगह नहीं, गेट आउट। हर बार हम नहीं जाएंगे सेट, आज तुम जाओगे। तुम पापा, मौत रुक जा, उससे मेरा आखिरी सहारा मत छीन। तुमने मेरे बाप को मार डाला, काट! इसे इस तरह मारो कि इसे इसकी मौत भूल जाए। मारो इसे! न मारू न सदा और न नादिया, आज इस बेकाबू को काबू न कर सकेगी। याद है नादिया, मैंने कहा था अर्श पर खुदा एक, आसमान पर चांद एक, और हमारे लिए जमीन पर चेहरा एक। पहले हम कहते थे आज सारा जहां नो। तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी हो, मेरी हो तुम। आज यकीन हो गया है कि बड़े घरों में अक्सर छोटे और छोटे घरों में अक्सर बड़े इंसान जन्म लेते हैं। तूने इंतकाम की जो दास्तान लिखी, आज उसका आखिरी बाब मैं ऐसे लिखूंगा कि कोई बड़ा आदमी कभी किसी छोटे आदमी की इज्जत पे टाका नहीं डालेगा। हरामजादे! दुश्मन तो हमने सारे मार दिए थे, ये नया दुश्मन। दुख सिर्फ इतना रहेगा बाबर कि ये गोली तुम पर बहुत पहले चलनी चाहिए थी। माना कि तुम वाजबुल कत्ल थे, लेकिन बाखुदा कसूर हम जैसी लड़कियों का भी कम ना था जो अपने इश्क की आड़ में अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम कर देती है। लेकिन तुम मरोगे एक मजबूत की तरह, गिरोगे जुर्म की दीवार की तरह। आ, 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 आ,
तुम्हारा और वो जहान। कैसा है जो भी सजना, कैसी हूँ मैं भी जानी, आ मुझ पे बरस के कर दे तू मुझको पानी पानी। ये भीगी हुई तन्हाई और मौसम भी मस्ताना, ना मानेगा कोई तेरी ये प्यार मेरा दीवाना। ओ यारा 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 कर कुछ मेरा दिल धारा, अब तन्हा रह के मेरा नहीं होता यार गुजारा। मुझे बाहों में आने दे, सपनों में खो जाने दे। अरे ओ दीवाने ओ दीवाने ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अल्लाह अल्लाह मेरा दिल धड़के, अल्लाह अल्लाह तेरे लिए तड़पे। बल्ला